पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने के लिए आम माफी योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है। इससे पहले इस योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। इस योजना के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज और जुर्माने पर 100% की छूट दी जा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से लोग निगम द्वारा प्रदान की गई इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये आम माफी योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रवासियों के लिए जिन्होंने 2004 के बाद कभी भी अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया या पिछले कुछ सालों का बकाया है, उनके लिए स्कीम लेके आई थी। उनको 100% ब्याज में माफी, 100% पेनल्टी में माफी की योजना 31 जनवरी 2022 तक की हमने की थी। लेकिन हालात को देखते हुए, क्योंकि सभी लोग जमा कराना चाहते हैं, लेकिन अभी आवागमन बंद था, ऑड इवन लगा हुआ था, इसके अलावा शनिवार इतवार को बिल्कुल ही लॉकडाउन था, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी, लोग चाह के भी अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवा पाए। हमने उन सभी के लिए अभी 15 दिन के लिए स्कीम को बढ़ा दिया है। अब सभी लोग जिन्होंने संपत्ति का कभी दिया नहीं, 2004 के बाद नहीं दिया या कुछ सालों का बकाया है, बिना पेनल्टी बिना ब्याज के 15 फरवरी 2022 तक जमा करवा सकते।